बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में प्रीति अपनी चाची विनीता के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही एक हादसे में प्रीति के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए प्रीति के चाचा उसकी देखभाल के लिए उसे अपने साथ घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन प्रीति की चाची को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई अनाथ लड़की उसके घर में रहे। प्रीति खुद इस घर को छोड़कर चली जाए, इसलिए विनीता प्रीति के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी। लेकिन बेचारी प्रीति के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, माँ पिता का साया नहीं था, इसलिए वह अपनी चाची का सारा अत्याचार चुपचाप सहन करती रहती है। विनीता की भी अपनी एक बेटी थी काजल, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बुरे स्वभाव की थी, वह भी प्रीति को बहुत परेशान किया करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी प्रीति की चल रही थी। एक दिन प्रीति बर्तन धो रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर नीचे टूट जाता है। तभी विनीता आती है और प्रीति को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, क्यों री करमजली, तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया? आजकल तेरा दिमाग कहाँ रहता है? एक तो तुझ जैसी मनहूस को हमने अपने घर में रख रखा है और महारानी है कि हमारा नुकसान पर नुकसान करे जा रही है। आज तो ये गिलास टूट गया, अगर आज के बाद तूने कुछ तोड़ा तो मार मार के मैं तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, समझ आ रही है? पता नहीं इस अनाथ मनहूस से कब पीछा छूटेगा। चाची जी मुझे माफ कर दीजिए, आज माँ पिताजी की बहुत याद आ रही थी इसलिए ध्यान भटक गया, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए अपने काम में जुट जाती है। तभी कुछ समय बाद काजल आती है और वह विनीता से कहती है, मम्मी एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट कीजिए, मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ और उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती हूँ। वह सविता की बच्ची अपने जन्मदिन पर बहुत इतरा रही थी, आखिर उसने चॉकलेट केक मंगाया था। आप मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर और भी अच्छा केक मंगाना। मम्मी आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हैं? क्या आपको याद नहीं कल मेरा जन्मदिन है? आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हैं? लाइए जल्दी से मुझे पैसे दीजिए, मुझे अपने जन्मदिन के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अरे मेरी प्यारी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरा जन्मदिन भूल ही गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग कराती हूँ और घर को पूरा दुल्हन की तरह सजवाऊंगी। यह ले मेरा एटीएम कार्ड, तुझे जितनी शॉपिंग करनी है तो कर आ जा। ऐसा कहकर विनीता काजल को शॉपिंग करने के लिए एटीएम कार्ड दे देती है। यह सब बातें काम करती हुई प्रीति भी सुन रही थी और यह सब सुनकर प्रीति उदास हो जाती है, क्योंकि कल प्रीति का भी जन्मदिन है और वह अपने माता पिता को इसलिए याद कर रो रही थी कि जब उसका जन्मदिन होता था तो वह कितने धूमधाम से मनाते थे और अब उसे उसके जन्मदिन पर कोई विश करने वाला भी नहीं है। प्रीति अपनी चाची के पास जाती है और उनसे डरते डरते कहती है, चाची जी कल काजल दीदी का जन्मदिन है, यह तो बहुत अच्छी बात है, उनकी जिंदगी में उन्हें सब खुशियाँ मिले। चाची जी कल मेरा भी जन्मदिन है और माँ पिताजी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे। चाची जी आप कह रही थी आप काजल दीदी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगी, अगर आप मुझे मेरे जन्मदिन पर थोड़े पैसे दे देंगी तो मैं बाहर गरीब लोगों में खाना बांटना चाहती हूँ और इस तरह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। माँ पिताजी के जाने के बाद यह मेरा पहला जन्मदिन है। अगर मनहूस कल तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? मुझे तो जैसे नौकरानी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने में कोई खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप घर का काम कर। मैं मेरी बेटी के जन्मदिन में कोई कमी देखना नहीं चाहती, घर पूरी तरह दुल्हन की तरह सज जाना चाहिए, समझ आ रही है? और तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने तुझे अपने पुराने कपड़े दिए थे, उन्हें पहनकर मेरी बेटी के जन्मदिन पार्टी में आ जाना और उसका केक खा लेना। अब यहाँ खड़ी होकर मनहूस मुझसे बातें ही करती रहेगी या काम भी करेगी? कितना सारा काम है। ऐसा कहकर विनीता बेचारी प्रीति को दुत्कार कर काम करने के लिए कहती है। प्रीति रोते हुए काम करती है और कुछ ही समय में पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देती है और काजल के जन्मदिन की इतनी सारी तैयारियां देखकर प्रीति को बहुत रोना आता है कि कल उसका भी जन्मदिन है लेकिन उसके जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटा सा केक भी नहीं आ रहा। यह सब सोच सोच कर प्रीति को बहुत रोना आता है। अगले दिन काजल
केक काटने के लिए बहुत सुंदर गाउन पहनकर आती है और उसके जन्मदिन का केक भी बहुत बड़ा आता है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, काजल की फ्रेंड्स आती हैं और बेचारी प्रीति अपने जन्मदिन पर सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी प्रीति के हाथ से कोल्ड ड्रिंक काजल की फ्रेंड के ड्रेस पर गिर जाती है। तभी वह प्रीति के ऊपर बहुत चिल्लाती है, बहन जी तो किस तरह से कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही है, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। काजल यह तूने कैसे नौकरानी रख रखी है, इसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, ऐसे नौकरानी को तो तुरंत निकाल देना चाहिए। अपनी फ्रेंड्स की यह बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने प्रीति की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना ताकि मेरी पार्टी खराब हो जाए। आज तेरा भी जन्मदिन है और मम्मी ने तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होने दिया, इसलिए तू मेरा जन्मदिन की पार्टी खराब करना चाहती है। चली जाए यहाँ से, तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हो गई। मम्मी इस नौकरानी को एक हफ्ते तक खाना मत देना और इससे इतना सारा काम कराना कि इसे पता चल जाए कि हमसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। काजल दीदी आप गलत समझ रही हैं, मैंने कोडिंग नहीं गिराई, आपकी फ्रेंड्स बातें कर रही थी और उनका ध्यान कोडिंग लेने में नहीं था जिसकी वजह से कोडिंग गिर गई। मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो, बल्कि मैं तो यह चाहती हूँ कि आपको आपके जन्मदिन पर बहुत सारी खुशियाँ मिले। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए बाहर चली जाती है और एक सुनसान जगह जाकर बैठ जाती है और वहां जाकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ पिताजी आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते तो कितना अच्छा होता, मुझे चाची और काजल दीदी का इतना अत्याचार सहन करना तो नहीं पड़ता। माँ पिताजी आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, फिर भी चाची और काजल दीदी को लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। माँ पिताजी आज मेरा भी जन्मदिन है लेकिन मैं खुशी खुशी घर का सारा काम कर रही थी। मैं उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। माँ पिताजी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपने पास बुला लो। ऐसा कहकर प्रीति बहुत रो रही थी। तभी प्रीति को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, यहाँ कोई है, मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार देगी, कृपया करके कोई मेरी जान बचाओ, कोई है यहाँ। प्रीति यह सब सुनकर उस आवाज के पीछे जाती है तो एक चुड़ैल ने एक बहुत सुंदर परी को पेड़ से उल्टा लटका रखा था और वह उसे जान से मारने वाली थी। तभी प्रीति एक डंडा लेकर जाती है और पीछे से उस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद उसकी बहुत पिटाई करती है। जब वह बेहोश हो जाती है तब परी प्रीति से कहती है, मेरा नाम मुस्कान परी है और यह चुड़ैल मुझे जान से मारकर इस पृथ्वी पर राज करना चाहती है। तुमने इसे अभी तो बेहोश कर दिया लेकिन जैसे ही इसे होश आएगा यह तुम्हें और मुझे हम दोनों को जान से मार देगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस चुड़ैल ने मेरी सारी शक्तियाँ जादुई सोने के केक के घर में रखी हैं। अगर तुम चुड़ैल की गुफा से सोने और चांदी के दो जादुई केक के घर लेकर आ जाओगी तो हम इस चुड़ैल को मार पाएंगे और मेरी जान भी बच पाएगी। जादुई सोने और चांदी के दो केक के घर, उससे क्या होगा? आज मेरा जन्मदिन है और जादुई सोने के केक के घर के अंदर अगर मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी और उसके बाद हम इस चुड़ैल को जादुई चांदी के केक के घर के अंदर छोड़ देंगे तो उसके बाद यह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें 12 बजे से पहले पहले दोनों जादुई सोने और चांदी के केक के घर लेकर आने होंगे, क्या तुम लेकर आ सकती हो? प्रीति उस परी की मदद करती है और वह उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। प्रीति को उस गुफा के अंदर बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं लेकिन वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती और 12 बजे से पहले पहले जादुई सोने और चांदी के दोनों केक के घर लेकर आ जाती है। तभी परी प्रीति से कहती है, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो, गुफा के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत नजर आई होगी लेकिन तुमने उसका जरा भी लालच नहीं किया और समय रहते जादुई सोने और चांदी के केक के घर लेकर आ गई।
प्रीति आओ मेरे साथ और अपना जन्मदिन मेरे साथ सेलिब्रेट करो। मुझे मेरी जादुई शक्ति से पता चला है कि आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। परी की बात सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और उसके साथ जादुई सोने के केक के घर के अंदर चली जाती है। वहां जाकर प्रीति और परी दोनों अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद परी उस चुड़ैल को जादुई चांदी के केक के घर के अंदर पहुंचा देती है, जिसकी मदद से वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और परी वह जादुई चांदी का केक का घर प्रीति को दे देती है। परी जी, आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। अब मैं अपनी चाची के घर नहीं जाऊंगी, मुझे उनका अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं इस जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहूंगी और इसकी धन दौलत से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करूंगी। प्रीति परी को धन्यवाद कहती है और परी जादुई सोने का केक का घर परी लोक लेकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब प्रीति जादुई चांदी के केक के घर की धन दौलत गरीब और अनाथ लोगों में बांट रही थी और एक दिन काजल को पता चल जाता है कि प्रीति के पास जादुई चांदी का केक का घर है। तभी वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप तो यह सोच कर खुश थी कि मेरे जन्मदिन पर वह मनहूस इस घर को छोड़कर चली गई, लेकिन वह मनहूस गरीब और अनाथ लोगों में चांदी के सिक्के बांट रही है। उसके पास जादुई चांदी के केक का घर है, जिसकी मदद से वह सब लोगों की मदद कर रही है। पास वाले गांव में रह रही है। अच्छा तो यह बात है, तो फिर देर किस बात की। चल उस मनहूस को सड़क पर लेकर आते हैं, हम उसके जादुई चांदी के केक के घर की सारी धन दौलत चुरा कर अपने साथ लेकर आ जाएंगे और उसके बाद उसके जादुई चांदी के केक के घर को जला देंगे। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी जादुई चांदी के केक के घर को चुराने का प्लान बना लेती हैं और जिस दिन प्रीति जादुई चांदी के केक के घर के अंदर नहीं होती, उस दिन वह दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर चली जाती हैं और उस घर के अंदर इतनी सारी धन दौलत देकर चौंक जाती हैं। और जैसे ही वह सारी धन दौलत बोरियों में भरने के लिए जाती हैं, तभी वहां पर बहुत सारे सांप और बिच्छू आ जाते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत डस लेते हैं और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें उनके लालच और बुरे व्यवहार की सजा मिल जाती है और प्रीति के अच्छे स्वभाव की वजह से उसके पास जादुई चांदी का केक का घर था, जिसकी मदद से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और ओक की भी जिंदगी में खुशियां लेकर आती है। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें सोना और मोना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। सोना बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें रंग दूध की तरह सफेद और बाल काले और घने। वहीं दूसरी तरफ मोना वह दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, क्योंकि उसका रंग काला था और उस काले रंग पर छोटे छोटे निशान और बाल भी ज्यादा घने और लंबे नहीं थे, जिस वजह से वह सोना की तरह सुंदर नहीं लगती थी। लेकिन मोना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन बेचारी मोना के साथ इसी काले रंग की वजह से अपने ही घर में भेदभाव होता था, क्योंकि सोना और मोना की दादी सुमित्रा वह सिर्फ और सिर्फ सोना से ही प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोना अपनी दादी के पास आती है और उनसे कहती है, दादी जी मुझे लहंगा लेकर आना है, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन आने वाला है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मुझे लहंगे की जरूरत है, आप मुझे लहंगा दिला दीजिए। आ गई अपनी काली शक्ल उठाकर मेरे सामने, दादी मुझे लहंगे की जरूरत है, मुझे लहंगा दिला दीजिए। लहंगा पहनकर भी तो सुंदर नहीं लगेगी, लगेगी बस सूरत की बस सूरत ही। पता नहीं कौन सा दिन था जिस दिन रेखा ने तुझ जैसी काली कलूटी को जन्म दिया। मैं तो उस घड़ी को ही कोसती हूँ जिस दिन तूने हमारे घर में कदम रखे। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि मैं तुझे कोई लहंगा वहंगा दिलाऊं, अपने पुराने कपड़े ही पहन चली जाना, लगेगी तो फिर भी वैसी की वैसी ही, सुंदर तो नहीं हो जाएगी। दादी जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, 2 दिन बाद मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और अभी मुझे फेशियल कराना है, हेयर स्पा कराना है और उसके बाद आपके साथ शॉपिंग पर भी तो जाना है, जल्दी से दे दीजिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं।
अरे क्यों नहीं, मेरी सुंदर पोती, तुम्हारी सुंदरता को देख देख कर तो मैं जिंदा हूँ। पूरे गांव में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, और तुम्हें अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए पार्लर की तो जरूरत पड़ेगी ही। यह लो पूरे 10,000 रुपए, और जल्दी आ जाना, उसके बाद हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है। तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर लहंगे भी तो लेकर आने हैं, पूरे स्कूल में बस तुम ही चमकनी चाहिए। ऐसा कहकर सुमित्रा सोना को 10,000 रुपए तुरंत निकाल कर दे देती हैं और मोना को चार बातें सुनाती हैं और शॉपिंग करने के लिए पैसे भी नहीं देती। मोना हमेशा अपने काले रंग की वजह से अपनी दादी की खरी खोटी बातें सुनती थी, लेकिन कभी भी पलटकर अपनी दादी को जवाब नहीं देती थी। अपनी दादी को खुश करने के लिए वह छोटी होकर भी घर का सारा काम करती थी, अपनी दादी के पैर दबाती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी कि उसे अपनी दादी के प्यार के दो शब्द मिल जाएं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बेचारी मोना को कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मोना के पास एनुअल फंक्शन पर पहनकर जाने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, वह वही पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है और सोना बहुत सुंदर लहंगा और बहुत अच्छे से तैयार होकर एनुअल फंक्शन पर जाती है। सोना और मोना स्कूल चली जाती है, तभी मोना को देखकर स्कूल की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा हंसती है। अरे सोना यार, तूने कितना ज्यादा सुंदर लहंगा पहन रखा है, और तेरी बहन इस काली कलूटी ने फटे पुराने कपड़े, क्या इसे पता नहीं था आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है? वैसे क्या सोना, ये तेरी अपनी सगी बहन भी है या फिर तुम इसे कूड़े दान से उठा के लेकर आए थे? क्योंकि तुम दोनों कहीं से भी बहने नहीं लगती, तू कहां चांद की तरह सुंदर और तेरी बहन, इसकी बसूरती के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। पता नहीं यार, क्या पता दादी इसे कचरे के डब्बे से ही उठा के लेकर आई हूँ, क्योंकि वह इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसे कुछ भी नहीं दिलाती। मुझे देखो, तुरंत 10,000 रुपए दे दिए और इतनी सारी शॉपिंग कराई, और इस काली कलूटी बंदरिया को कुछ भी नहीं, हमेशा खरी खोटी बातें सुनाती रहती है। बेचारी घर का सारा काम करती है, फिर भी इसे दादी घास तक भी नहीं डालती, और मुझे इतना ज्यादा लाड प्यार करती है। इस तरह से सोना अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेचारी मोना का बहुत मजाक उड़ा रही थी। मोना से आज अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, और वह तभी सोना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, सोना क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मैं तुम्हारी अपनी सगी बहन हूँ, और तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा कितना मजाक उड़ा रही हो, मुझे क्या क्या कह रही हो, बदसूरत, काला साया, कचरा, क्या तुम्हें एहसास भी है यह शब्द सुनकर मेरे दिल को कितनी ठेस पहुँच रही होगी, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन शायद तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो दादी का भरपूर प्यार मिलता है, और बाहर भी लोग तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझ जैसी बदसूरत को न घर में प्यार मिलता है और ना ही बाहर। ऐसा कहकर मोना रोते हुए एनुअल फंक्शन छोड़कर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोना को मोना के थप्पड़ का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वह तुरंत घर आ जाती है और अपने दादी को सब बताती है। दादी को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जब मोना घर वापस आ जाती है तो दादी मोना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, खाली कलूटी बदसूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी पोती को मारने की? सोना ने ऐसा क्या गलत कह दिया था? तू जैसी है, तुझे तेरा आईना ही तो दिखाया, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मनहूस, तेरी वजह से सोना की आंखों में आंसू आए, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तो तूने इस पर हाथ उठा दिया है, आज के बाद अगर तूने हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। चुप हो जा मेरी शहजादी, तेरी दादी तेरे साथ है, दादी की लाडली चुप हो जा। मैंने इस मनहूस को समझा दिया है, आज के बाद वह तुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। अब यहाँ पर खड़ी होकर आंसू ही टपकाती रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी, मनहूस। बेचारी मोना किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाकर अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। बचपन में ही माँ पिताजी छोड़ के चले गए, दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तब से मैं दादी को ही अपनी माँ और पिताजी समझती हूँ। उनके प्यार की एक नजर के लिए मैं कितनी तरसती हूँ, सोचती हूँ कि कब दादी मुझसे कहेंगी, मोना बेटा रंग रूप कुछ नहीं होता, तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आ जा मेरे पास आकर बैठ जा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी दादी तो खुद मुझे काली बदसूरत मनहूस पता नहीं क्या क्या कहती है। सोना की किस्मत कितनी अच्छी है, वह सुंदर होने के साथ साथ सबका प्यार भी लेती है, और मैं बसुरती के साथ साथ लोगों की नफरत।
लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मेरी आत्मा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं खुद को खत्म कर लूंगी, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे क्या कहेगा, किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर मोना बहुत रोती है और नदी में कूदने के लिए, अपनी जान देने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मोना को एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे मासूम कुत्ते की टांग दबी हुई मिलती है, जो दर्द के मारे करहा रहा था। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है। मोना तुरंत उस कुत्ते के पास जाती है और वह पत्थर हटा देती है और उसकी मदद कर कुछ दूर और चलती है तो एक गाय भूखी बोल रही थी। मोना को लगता है कि ये बहुत ज्यादा भूखी है, तभी वह ताजी ताजी हरी हरी घास लेकर आती है और अपने हाथों से खिलाती है। कुछ दूर और चलती है तो एक सूखा पेड़, वह प्यासा था और वह मोना से कहता है, सुनो लड़की, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे सुबह से पानी नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। मोना तुरंत नदी के पास जाती है, मटके में पानी भर के लेकर आती है और सूखे पेड़ को पिला देती है। वह सूखा पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाता है। मोना कुछ दूर और चलती है तो उसे एक सोने का लहंगे का घर और दूसरा चांदी के लहंगे का घर नजर आता है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। अरे ये क्या, सोने और चांदी के लहंगे के घर, यह अद्भुत नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं यह किसके होंगे और यहाँ पर क्यों हैं। मोना ऐसा सोच ही रही थी तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह मोना से कहती है, मोना यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे के घर हैं और यह हर किसी को नजर नहीं आते, जिनका दिल साफ हो और वे हमेशा दूसरों की मदद करते हों सिर्फ उन्हें ही नजर आते हैं। अब तुम्हें यह दोनों जादुई सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आ ही गए हैं तो तुम्हें इनमें से एक घर को चुनना होगा और वह जादुई लहंगे का घर तुम्हारा हो जाएगा। जादुई सोने के लहंगे के घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और साथ में सुंदरता भी, और जादुई चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी और उन ज्ञान की बातों के साथ साथ तुम्हें वहाँ पर एक बूढ़ी परी का ख्याल भी रखना होगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सुंदरता, धन दौलत लेना चाहती हो या फिर ज्ञान की बातों के साथ साथ बूढ़ी परी का ख्याल रखना चाहती हो, फैसला तुम्हारा है। परी जी, मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और वहाँ जाकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ और साथ में बूढ़ी परी का ख्याल भी रखना चाहती हूँ। परी जी, मुझे मेरे टीचर ने बताया कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर क्या मिलेगा, धन दौलत, और ज्ञान से बड़ी कोई धन दौलत नहीं होती। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, और अगर आपके पास धन दौलत है तो जरूरी नहीं वह हमेशा आपके साथ रहे, इसलिए मैं तो जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाना चाहती हूँ। सच में मोना, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम हमेशा अपनी दादी के प्यार के लिए तरसती थी, तुम्हें तुम्हारी दादी का प्यार नहीं मिला तो तुम मरने के लिए घर से बाहर निकल गई, लेकिन जब तुम्हें मुसीबत में कुत्ता नजर आया तो तुमने उसकी मदद की, भूखी गाय को खाना खिलाया, सूखे पेड़ को पानी पिलाया, और जब तुम्हें ये मौका मिला कि तुम्हें धन दौलत, सुंदरता सब कुछ मिल जाएगी, तो उस वक्त भी तुमने ज्ञान और दूसरों की मदद करने का फैसला किया। सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, जाओ अपने जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाओ। परी की बातें सुनकर मोना को पहली बार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी में आज से पहले उसकी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। वह खुशी खुशी अपने जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही वह कदम रखती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तभी मोना के पास एक बूढ़ी परी आती है जो उसे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती है। मोना उस बूढ़ी परी की बहुत ज्यादा सेवा करती है, बिल्कुल अपनी दादी की तरह, और उनके साथ जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर खुशी रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोना आईने के सामने सज रही थी, तभी वह देखती है कि उसके गांव में एक महामारी आ चुकी है, जिस वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो गई और उस महामारी में उसकी दादी भी चपेट में आ चुकी हैं। वह बहुत ज्यादा बीमार हैं। यह सब देखकर मोना चौंक जाती है। तभी वह बूढ़ी परी के पास जाती है और उनसे कहती है, अम्मा जी, मैंने अभी देखा हमारे गांव में एक महामारी आ गई, जिस वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो गई और मेरी दादी भी बहुत ज्यादा बीमार हैं। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, वह अकेली हैं, सोना भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अम्मा जी, क्या मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ, मेरी दादी को मेरी जरूरत है। हाँ बेटा, तुम जा भी सकती हो और सभी गाँव वालों को ठीक भी कर सकती हो, मगर बेटा,
मगर क्या अम्मा जी, बोलिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं किस तरह से गांव वालों को ठीक कर सकती हूँ? आप मुझसे जो भी करने के लिए कहेंगी मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। बेटा, तुम सभी गांव वालों को और अपनी दादी को इस जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर लेकर जाना और एक घंटे बाद उन्हें इस जादुई चांदी के लहंगे के घर से बाहर निकाल लेना और उसके बाद तुम्हें अपनी जान की बलि चढ़ानी होगी, तभी गांव वाले बच पाएंगे। बताओ, क्या तुम गांव वालों के लिए, अपनी दादी के लिए अपनी जान की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? अम्मा जी, अगर एक जान जाने की वजह से इतनी सारी जान बच जाती हैं, मेरी दादी बच जाती हैं, तो मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यह जादू चांदी का लहंगा लेकर जा रही हूँ। आज के बाद मैं आपको नजर नहीं आऊंगी, मेरे बाद अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मोना वह जादुई चांदी के लहंगे का घर अपने गांव में लेकर आ जाती है और सभी गांव वालों को, अपनी दादी को उस जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर लेके जाती है और एक घंटे बाद उन्हें बाहर निकाल लेती है। और जैसा कि बूढ़ी परी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। गांव के सभी लोग मोना की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी मोना की दादी मोना से कहती है, मोना बेटा, तो कहाँ चली गई थी? तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ तो मेरी सबसे अच्छी पोती थी, तूने मेरा कितना ख्याल रखा और मैंने तुझे हमेशा दुत्कारा, कभी प्यार नहीं किया। बेटा, जिसे मैंने इतना लाड प्यार दिया उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, वह मुझे इस उम्र में इतनी बीमार को अकेला छोड़ कर चली गई। कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखूं, और अपने दोस्त के साथ शहर चली गई। और बेटा, जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ तो तुम मेरे पास आ गई। आज मुझे समझ आ गया कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान की असली सुंदरता तो उसके दिल से होती है, जो बेटा तुम्हारा था। हो सके तो अपनी दादी को माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने सीने से लगा कर रखूंगी। जो प्यार तुम्हें कभी नहीं दिया वह सब प्यार करूंगी मेरी बच्ची। दादी, आपके मुंह से प्यारी बच्ची, बेटा सुनने के लिए मैं कितनी ज़्यादा तरसी हूँ। आज ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दादी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। सभी गांव वालों की जान बचाने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान की बलि चढ़ानी होगी। मेरे बाद आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरी समय मुझे मेरी दादी का प्यार मिल गया। मोना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी दादी के साथ पूरी जिंदगी मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर आराम से रह सकती हो। बूढ़ी परी ने तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। जादुई चांदी के लहंगे के घर की बातें सुनकर मोना बहुत ज्यादा खुश होती है और वह जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।